मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण महाकुंभ में शिरकत की, जहां उन्होंने ब्राह्मणों के प्रशंसा के फूल बांधे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विश्व में भाषा साहित्य से लेकर गणित ऐसी कोई भी विधा नहीं है जिसमें ब्राह्मण पारंगत ना हो। ब्राह्मण महाकुंभ भोपाल के जंबूरी मैदान में हुआ। देश भर से आए ब्राह्मण समाज के लोग इसमें जुटे। इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। मुख्यमंत्री चौहान ने ब्राह्मण कौन होते हैं उसके बारे में कहा कि जो इंद्रियों को जीत ले और जो अपने ज्ञान से ही ईश्वर का सत्य जान ले वही ब्राह्मण है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ज्ञान जिसका मान, सम्मान जिसका धर्म, दया जिसका हृदय, विद्या जिसका नियम, वही ब्राह्मण है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि जब विश्व में खोजों की शुरुआत नहीं हुई थी तब शून्य भी दुनिया को ब्राह्मणों ने ही दिया था। किसी का राजपाट बिना ब्राह्मण के चला ही नहीं। मुख्यमंत्री चौहान ने लव जिहाद को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। यह मैं सिर्फ आपको वचन देता हूं, ऐसी चीजें हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं, ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। और जो अपने ज्ञान से ईश्वर का सत्य जान ले वही ब्राह्मण है, ये हमारे यहां कहा गया है। ज्ञान जिसका मान, क्षमा जिसका धर्म, दया जिसका हृदय और विद्या जिसका नियम, वही ब्राह्मण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महाकुंभ में ऐलान करते हुए कहा कि परशुराम जयंती के दिन मध्य प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने मंदिरों की जमीन पर सरकारी कब्जे को लेकर कहा कि मंदिरों की कोई जमीन अब कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी करेंगे। पुजारी जब दिन रात पूजा कर रहे तो और क्या करेंगे, आजीविका भी चलानी पड़ेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी जी नीलाम करेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।